नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 9 में, जहां की आम आदमी पार्टी को द्वारका विधानसभा से बड़ी विक्ट्री मिली है। हमारे साथ मौजूद हैं डाबरी बार से निगम पार्षद चुनी गई तुलोत्मा चौधरी। तुलोत्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगी जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया, पुनः आपका जो कार्य रहा 10 साल का उस पर मोहर लगाई। भाई जो विनय मिश्रा के कार्य रहे विकास के और डबल इंजन की जो सरकार है उसको लोग चाहते हैं डाबरी बार में, द्वारका विधानसभा में। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने वोट दी उसको भी, जिसने नहीं दी उसको भी। इस जीत के लिए मैं सबको मानती हूँ कि सबका श्रेय रहा, हमारे विधायक विनय मिश्रा जी का, महाबल मिश्रा जी का, केजरीवाल जी का, जो कि उनके कामों का, और साथ में जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। क्या लगता है जिम्मेवारी और बढ़ गई है खासतौर पर डाबड़ी वाड़ के प्रति आपकी, जो कि विधायक भी हैं विनय मिश्रा और साथ में अब तुलोत्मा चौधरी निगम पार्षद होंगी, दोनों साथ में कदम ताल करेंगे, विकास की रफ्तार तेज होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल कदम से कदम मिला करके क्षेत्र का विकास करना है, जो लोगों ने विश्वास जताया है उसके विश्वास पे खरा उतरना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप देखें तिलोत्मा चौधरी विजयी डाबड़ी बार से, क्या कुछ कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत ही यह केजरीवाल जी की है कि एमसीडी में जो भ्रष्ट नेता थे उनको उखाड़ के फेंक दिया है। ये दिल्ली की जीत नहीं है, दिल्ली केंद्र में है के अधीन नहीं थी, ये पूरे भारत की जीत है, क्योंकि हम दिल्ली राजधानी में जीते, वो भी एमसीडी में। आम आदमी की जीत है, बिल्कुल ये आम आदमी की भी जीत है और केजरीवाल जी की जीत है, और विधायक विनय मिश्रा की मैं सिस्टर हूँ उसकी भी जीत है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं, और उनका कहना है कि विधायक विनय मिश्रा के द्वारा द्वारका विधानसभा में जो कार्य किए गए वो उनकी जीत है, साथ में अरविंद केजरीवाल की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, और यह जीत वाड़ की जनता को समर्पित है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।